नमस्कार एक्सप्रेस रिपोर्टर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ बुशरा। और चलिए अब आपको सबसे पहले लिए चलते हैं भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया कोरोना किल अभियान का शुभारंभ। प्रदेश में जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीमों की मदद से चलाया जाएगा कोरोना किल का अभियान। कोरोना महामारी को खत्म करने और उसके संक्रमण को रोकने के लिए आज मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने किल कोरोना अभियान का शुभारंभ किया। इस मौके पर भोपाल सांसद प्रज्ञा साध्वी और हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा भी पहुंचे। कोरोना किल अभियान के शुभारंभ में स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम टीम, आशा उषा कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं भी शामिल हुई। इस शुभारंभ में मुख्यमंत्री ने सार्थक लाइट ऐप लॉन्च किया। इस ऐप में कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग, डॉक्टर हेल्पलाइन नंबर और नजदीकी फीवर क्लिनिक की जानकारी होगी। गौरतलब है प्रदेश सरकार ने जिला प्रशासन की मदद से कोरोना किल अभियान के लिए अलग अलग टीमें बनाई हैं। यह टीमें घर 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 जाकर उनका सर्वे करेंगी, साथ ही घरों में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य की जानकारी जुटाएंगी और यदि कोई सदस्य में कोरोना से संबंधित लक्षण मिलते हैं तो उनका टेस्ट किया जाएगा। साथ ही सभी सदस्यों को सार्थक ऐप में एंट्री की जाएगी। बनाई गई स्वास्थ्य और जिला प्रशासन की टीमें घर घर जाकर करेंगी वहां पर रहने वाले लोगों का सर्वे। कोरोना से मिलते जुलते लक्षण पाए जाने पर होगी उनकी जांच। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर दुर्गेश गुप्ता। एक सब्जी के बारे में आज हम आपको बताएंगे जिन्हें ना ही उगाया जा सकता है और ना ही इसकी खोज की जा सकती है। इस समय वन अंचलों में जंगल जाकर ग्रामीण बोड़ा एकत्र करने में लगे हुए हैं और उन्हें बाजारों में बेचकर अच्छी रकम कमा रहे हैं। दरअसल बोड़ा जमीन के अंदर उगता है और ये सिर्फ साल वृक्षों के नीचे ही पाया जाता है। फफूंद प्रजाति की इस सब्जी के लजीज स्वाद के लोग दीवाने हैं। बस्तर की ग्रामीणों के लिए यह तेंदुपत्ता और महुआ के बाद जीवनोपार्जन का मुख्य स्रोत है। बारिश के मौसम की शुरुआत के साथ बोड़ा के बाजार में आने का सिलसिला शुरू हो जाता है। अनोखी बात यह है कि यह जमीन के अंदर उगाने वाला एक तरह का फंगस है जो प्राकृतिक ढंग से ही उगता है। इसमें कोई बीज नहीं होता। इसके उत्पादन की कृत्रिम तकनीक को खोज पाने में वैज्ञानिक अब तक नाकाम रहे हैं। प्राकृतिक रूप से निश्चित अवधि के लिए ही इसका उगना और इसकी स्वादिष्ट ने इसे विशेष बना दिया है। बोड़ा की पैदावार में कृत्रिम ढंग से लगे वैज्ञानिक अगर सफल हो जाए तो यह सब्जी पूरे देश के सब्जी मार्केटों में धूम मचा देगी। बस्तर से एक्सप्रेस रिपोर्टर आशुतोष तिवारी। लगातार हो रही चोरी ने पुलिस की गश्त की पोल खोल कर रख दी है। एक बार फिर सुने मकान को चोरों ने अपना निशाना बनाया है, जहां लाखों का माल पार कर दिया है। चोरी की घटना थमने का नाम नहीं ले रहा है। दुकान के बाद अब चोर सुने मकान का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों ने लाखों की चोरी की घटना को अंजाम दे डाला। बीती रात सामने आई इस घटना में 8 लाख रुपए नकदी रकम, 40 तोला सोना, 1 किलो चांदी समेत अन्य सामानों की चोरी की गयी। बताया जा रहा है कि विजय प्रकाश अग्रवाल सहपरिवार चापा स्थित शादी समारोह में शामिल होने गए थे। रात करीब 2 बजे घर वापसी की। इस दौरान देखा कि घर का ताला टूटा हुआ था। पुलिस आरोपियों तक पहुंचने डॉग स्क्वाड और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाल लेते हैं। देखते हैं कब तक चोर पुलिस की हत्या करते हैं। कोरबा से एक्सप्रेस रिपोर्टर मनोज यादव। राज्य सरकार के निर्देश पर करीब 105 दिन बाद आज से खुले जंगल सफारी और नंदन वन सफारी प्रबंधन ने कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए जारी किया कई बिंदुओं का गाइडलाइन। दरअसल 1 जुलाई से रायपुर जंगल सफारी और नंदनवन को खोल दिया गया है। करीब 105 दिन बाद पर्यटकों के लिए पर्यटक स्थल को खोलने की अनुमति राज्य सरकार ने दे दी है। जंगल सफारी और नंदनवन को खोलने के बाद कोरोना संक्रमण को देखते हुए कई गाइडलाइन भी जारी किया है, जिसके तहत जंगल सफारी में आने वाले पर्यटकों को गाइडलाइन का पालन करना होगा। सफारी प्रबंधन द्वारा कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए गाइडलाइन जारी किए गए हैं। सफारी के अंदर 3 लेयर में व्यवस्था की गई। बता दें कि जारी गाइडलाइन के अनुसार 65 वर्ष के अधिक से बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सफारी के अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर शिवम मिश्रा। सरकार के इंग्लिश मीडियम स्कूल में भर्ती होने वालों की भीड़ लग गई है। लगातार आवेदन आ रहे हैं। एक क्लास के लिए 400 आवेदन आए हैं। सरकार ने सरकारी स्कूलों को इंग्लिश मीडियम में करने का जो योजना बनाया है, इस योजना के तहत अब सरकार का रुझान है, लोगों का रुझान है, वो सरकार की तरफ ज्यादा हो गया है।
बिलासपुर में 3 ऐसे स्कूल बनाए गए हैं जिसको इंग्लिश मीडियम में परिवर्तित किया जाएगा। सरकारी स्कूल के इंग्लिश मीडियम में परिवर्तित होने और छात्रों के भर्ती होने को लेकर के यहाँ मारामारी मच गई है। अब एक स्कूल एक कक्षा के लिए 40 छात्र की आवश्यकता अभी सरकार ने बनाई है, लेकिन इसमें आवेदन 400 से ज्यादा है एक क्लास के लिए। ऐसे में अब जो निर्णय है वो लॉटरी के माध्यम से होगा कि किस बच्चे को प्रवेश दिया जाना है और किसको नहीं दिया जाना है। सरकार की इस पॉलिसी से तो साफ हो गया कि सरकार की मंशा ठीक है और अब लोगों को भी कहीं ना कहीं भरोसा हो गया कि सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाई अच्छी होगी। भूपेश बघेल के इंग्लिश मीडियम स्कूल में भर्ती के लिए मारामारी मच गई है और अब इसमें भर्ती के लिए संख्या ज्यादा होने की वजह से लॉटरी निकालकर चयन किया जाएगा। बिलासपुर से रिपोर्टर शैलेंद्र। अब चोरी गए वाहनों को पुलिस आसानी से खोज सकेगी, इसके लिए जबलपुर में 24 ऐसे हाई डेफिनेशन कैमरे लगाए गए हैं जो कि वाहनों की नंबर प्लेट पढ़कर उसका पूरा डाटा। जबलपुर पुलिस ने शहर के प्रमुख चौराहों पर ऐसे कैमरे लगाए हैं जिनसे कि वाहनों की नंबर प्लेट का डिटेक्शन आसानी से हो जाता है। ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरे की वजह से ये सारा कुछ संभव हो पा रहा है। ये कैमरा न केवल वाहनों की नंबर प्लेट पढ़ लेता है बल्कि वाहन मालिक का पूरा डाटा भी तुरंत पुलिस के पास पहुंचा देता है, जिससे ये पता लगाना आसान हो जाता है कि वाहन कहीं चोरी तो नहीं किया गया। पुलिस के लिए अब काम करना बेहद आसान हो गया है। प्रदेश पुलिस पूरी तरह से हाईटेक हो रही है, ये वजह है कि अब अपराधों में कमी आ जाएगी। अरविंद दुबे, एक्सप्रेस रिपोर्टर, जबलपुर। उपचुनाव से पहले कांग्रेस ने की बड़ी सर्जरी और सेवा दल का बनाया रजनीश सिंह को प्रदेश अध्यक्ष। मध्य प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष के पदभार ग्रहण किया रजनीश सिंह ने। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह, पूर्व मंत्री अरुण यादव, पूर्व मंत्री सचिन यादव, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति सहित कई दिग्गज नेता, सेवा दल के कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने रजनीश सिंह को प्रदेश कांग्रेस सेवा दल का प्रदेश अध्यक्ष बनाने की शपथ दिलवाई। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ बोले, आज सेवा दल के कार्यक्रम में आकर खुशी हुई। सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलती है तो सेवा दल के कार्यक्रम में आकर। बहुत दिनों से ऐसी ऊर्जा की जरूरत थी। पहले 10-20% लोग ही सोशल मीडिया में जुड़े थे, अब 90% लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। देखना होगा कि प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद रजनीश की क्या भूमिका होती है और पार्टी कितनी सीटों पर विजय प्राप्त करती है। एक्सप्रेस रिपोर्टर संजय डोंगरती भोपाल। मांगे पूरी नहीं होने के चलते बस स्टैंड पर चालक परिचालक संघ का धरना प्रदर्शन। कहा, 3 महीनों से बसों के पहिए थमे हैं, अब सामने आ गया है रोजी रोटी का संकट। चालक परिचालक संघ के पदाधिकारी आज से 7 जुलाई तक धरने पर बैठ गए। चालक परिचालक संघ के अध्यक्ष जाहिद पठान ने बताया कि कोरोना महामारी के दौरान 3 महीनों से बसों के पहिए थमे हुए हैं। भोपाल से हुई संघ के पदाधिकारियों की बैठक के बाद भी सरकार ने अभी शर्तें नहीं मानी, जिससे आगे भी बसों के पहिए थमे रहने की संभावना है। पिछले 3 माह से बसों का संचालन नहीं होने से चालक परिचालक के परिवार आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। ऐसे में अब सामने रोजी रोटी का संकट गहरा गया है। संघ सरकार से यह मांग करता है कि उनके भरण पोषण की चिंता सरकार करे। 7 जुलाई तक धरने पर बैठने के बाद भी समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो फिर भूख हड़ताल की जाएगी। बड़वानी से एक्सप्रेस रिपोर्टर सचिन राठौर। जीरो वेस्ट मोहल्ले और जीरो वेस्ट कॉलोनी के बाद अब नगर निगम ने जीरो वेस्ट वार्ड की कवायद शुरू कर दी है। पहले चरण में 5 वार्ड को जीरो वेस्ट वार्ड बनाने की कवायद की जा रही है। दरअसल इंदौर नगर निगम कचरे को रिड्यूस, रिसाइकल और रियूज करने के कंसेप्ट को लेकर काम कर रहा है, जिसके तहत पूर्व में नगर निगम द्वारा शहर से कचरा पेटियों को हटाने का काम किया गया था, जिसके बाद निगम ने डोर टू डोर कचरा कलेक्शन वाहन शुरू किए थे। वहीं अब नगर निगम की कोशिश है कि डोर टू डोर कचरा वाहनों को भी कम किया जाए और रहवासियों को घर में ही कचरे का निष्पादन करने की प्रक्रिया समझाई जाए, ताकि जीरो वेस्ट कॉलोनी के बाद जीरो वेस्ट वार्ड बनाने का नगर निगम का उद्देश्य सार्थक हो सके। नगर निगम द्वारा 4 NGO को 5 वार्ड 4, 32, 47, 66 और 73 को जीरो वेस्ट वार्ड बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। निगम आयुक्त के मुताबिक घर घर में कंपोस्टिंग शुरू होने के बाद अक्टूबर माह के बाद से इन वार्डों में कचरा वाहनों की संख्या भी कम की जाएगी। इंदौर से रिपोर्टर दीपिका अग्रवाल। पत्थल गांव क्षेत्र के वन भूमि पर अब वन माफियाओं की नजर है। इसके साथ साथ वनों की भी अवैध कटाई हो रही है। ऐसे में इस क्षेत्र में हरियाली पर खतरा मंडराने लगा है।
हरियाली को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य की सरकारें हर संभव प्रयासरत है। उजड़ते जंगलों को रोकने के साथ साथ वृक्षारोपण को बढ़ावा देने का प्रयास चल रहा है, लेकिन पत्थलगांव रेंज के वन अधिकारी सरकार की मंशा को ठेंगा दिखा रहे हैं। रेंजर की लापरवाही के कारण यहां जंगलों की अवैध कटाई हो रही है। सूचना मिलने के बाद भी रेंज के अफसर ऐसे मामलों को अनदेखी कर रहे हैं। यहां के वन अफसर के व्यवहार से भी ग्रामीणों में आक्रोश है। अब देखना होगा सरकार इस क्षेत्र के वन को बचाने के लिए क्या उपाय कर पाएगी। पत्थलगांव से एक्सप्रेस रिपोर्टर मनोज अंबस। प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला, कहा कि सरकार अपने आदेश वापिस ले। दरअसल शासकीय अधिकारी कर्मचारियों ने अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान सरकारी आदेश की कापियों को जलाने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम SDM को ज्ञापन सौंपे। शासकीय अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन वहीं संयोजक अनिल शुक्ला ने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश को विलोपित करते हुए वार्षिक वेतन वृद्धि बहाल किया जाए, समस्त अधिकारी कर्मचारियों को 50 लाख रुपए का बीमा सुनिश्चित किया जाए। इसके अलावा राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनरों को जुलाई 2020 तक के देयक 9% महंगाई भत्ते का शीघ्र भुगतान किया जाए। आदेश जारी होने के बाद लगातार 1 महीने से विरोध जारी है। अंततः यहाँ पे पुतला जलाकर, आदेश की कापी जलाकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। अब देखना होगा सरकार इस पर किस पर फैसला लेती है। रायपुर से प्रेस रिपोर्टर सत्यराजपुर की। ग्राम पंचायत पुलावली के मजरा रतनपुर में आजादी के 7 दशक बीत जाने के बाद भी पक्की सड़क नहीं बन पाई। रतनपुर गांव मुख्य मार्ग से मात्र 1.5 किलोमीटर है, लेकिन यह गांव आज तक पक्के मार्ग से नहीं जोड़ पाया। गांव के पास एक पुलिया का निर्माण भी कराया गया, जिसका घटिया निर्माण किया गया, जिसकी शिकायत स्थानीय लोगों ने भिंड कलेक्टर से की, जिसके बाद जांच के आदेश भी हो गए। रास्ता कच्चा होने से बरसात के दिनों में न तो गांव में कोई वाहन आ पाता है न जा पाता है। यदि कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है तो चारपाई पर रखकर मुख्य मार्ग तक ले जाना पड़ता है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जनप्रतिनिधि चुनाव से पहले तो आश्वासन दे देते हैं, लेकिन चुनाव के बाद कोई कार्य नहीं करते हैं। ग्रामीण जनों का आरोप है कि यह गांव अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग का है, इसलिए शायद निर्माण कार्य नहीं किया जाता है, जबकि सामान्य वर्ग के गांव में अच्छे से रास्ते उपलब्ध हैं। सड़क पर एक पुलिया बनाई गई है, जिसका घटिया निर्माण किया गया है। स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत भिंड कलेक्टर से की है। अब देखना ही होगा खबर दिखाने के बाद क्या कार्रवाई होती है। राघवेंद्र सिंह, एक्सप्रेस रिपोर्टर, उमरी भिंड। अन्य जिला मुख्यालय में नगर के अंदर से गुजरने वाले भारी वाहनों ने लोगों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। जांजगीर जिला मुख्यालय में दोपहर को नगर के अंदर से पार होने वाली भारी वाहनों ने लोगों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। आए दिन कोई ना कोई दुर्घटना का शिकार भी हो रहा है, साथ ही नगर की सड़कें भी समय से पहले जर्जर हो जा रही हैं। लोगों का कहना है कि जिले के जिम्मेदार अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपको बता दें कि जिला मुख्यालय के आसपास कई कोलवासरी और पत्थर खदान हैं, जो अपनी गाड़ियां सड़क पर मौत बनकर दौड़ा रहे हैं और अपनी ऊंची पहुंच और पैसे के दम पर जिम्मेदारों का मुंह बंद कर दिए हैं। एक और जहां लोगों को दुर्घटना का डर सता रहा है, वहीं नगर में धूल और प्रदूषण से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। ऐसे में दिन में भारी वाहनों को नगर के अंदर से प्रवेश कराना लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करना है। अगर जल्द ही इस मामले में अधिकारियों ने संज्ञान नहीं लिया तो कभी भी भविष्य में बड़ी दुर्घटना को नकारा नहीं जा सकता। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए रवि गोयल, जांजगीर। भोपाल की बैरागढ़ कला में एंटीटेक एक्सीडेंट द्वारा सड़क और सीवेज का काम जारी है। इसको लेकर सड़क अभी तक पूरी नहीं बनाए जाने को लेकर रहवासियों ने जमकर हंगामा किया। राजधानी भोपाल की बैरागढ़ कला में अंकिता कंस्ट्रक्शन द्वारा सिविल लाइन का काम किया जा रहा है। इस काम को लगभग 1.5 वर्ष बीत चुके हैं। 1.5 वर्ष के बाद भी सड़क निर्माण कार्य शुरू तो नहीं हुआ, लेकिन वह सड़क भी आधी बनाकर अंकिता कंस्ट्रक्शन ने छोड़ दी, जिस पर आज बैरागढ़ कला के रहवासियों ने जमकर हंगामा किया और खराब सड़क को सुधारने की बात कही। रहवासियों का कहना है कि आधी सड़क बनाने से समस्या का समाधान नहीं होगा, सड़क को मुख्य मार्ग से जोड़ा जाए। बैरागढ़ कला में सीवेज का काम चल रहा है, इसको लेकर बैरागढ़ के रहवासियों ने जमकर हंगामा किया है। इनका ये कहना है कि सड़क का जो अधूरा काम है उसे पूरा किया जाए, नहीं तो हम आगे और भी धरना प्रदर्शन करेंगे। अब देखने वाली होगी अंकिता कंस्ट्रक्शन इसका पूरा काम कब करती है। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर विवेक शर्मा। छत्तीसगढ़ के सर्वप्रथम कोरोना हॉटस्पॉट बने मुंगेली जिले के एक राहत भरी खबर है। अब मुंगेली जिला पूरी तरीके से कोरोना फ्री हो गया है। आपको बता दें कि मुंगेली जिला कलेक्टर PS एल्मा ने
वर्तमान परिस्थिति में मुंगेली जिले को कोरोना मुक्त की घोषणा की है। तो वहीं जिला कलेक्टर ने इसका श्रेय छत्तीसगढ़ के मेडिकल स्टाफ और अधिकारियों के अलावा आम जनता को दिया है। जिला कलेक्टर पीएस एल्मा ने कहा कि जिले का अंतिम कोरोना संक्रमित व्यक्ति स्वस्थ होकर घर लौट गया है। इसके साथ ही जिले में अब एक भी कोरोना पॉजिटिव की संख्या नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि जिले में 33,000 प्रवासी मजदूरों को लाया गया था, जिन्हें अलग अलग क्वारंटीन सेंटर में रखा गया था। अब तक मुंगेली जिले में कुल 121 कोरोना पॉजिटिव की संख्या थी। वर्तमान में सभी मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। बहरहाल कलेक्टर ने जिलेवासियों से अपील करते हुए कहा है कि अभी भी कोरोना संक्रमण का खतरा टला नहीं है, इसलिए सभी को सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। मुंगेली से एक्सप्रेस रिपोर्टर रोहित कश्यप। एक्सप्रेस रिपोर्टर में वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। एक बुलेटिन में हर खबर, देश के नंबर वन न्यूज नेटवर्क का नंबर वन न्यूज बुलेटिन। यू स्टॉप नाइन रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे जुड़िए संसार से, हमारी रफ्तार से। टीवी 9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, बेटे और बेटियों, नमस्कार। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने कोरोना महामारी को परास्त करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। एक तरफ जहां पॉजिटिव केस आने की संख्या निरंतर नियंत्रित हो रही है, वहीं दूसरी तरफ स्वस्थ होने वाले मित्रों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। लगातार आप सबके सहयोग के कारण, क्योंकि आपके सहयोग से कोरोना के खिलाफ हमने ये लड़ाई लड़ी है। आज मध्यप्रदेश की स्थिति यह है कि हमारी रिकवरी रेट, मतलब पॉजिटिव जो हमारे साथी हैं उनके स्वस्थ होने की दर 76.9% तक पहुंच गई है। मध्यप्रदेश में कोरोना की ग्रोथ रेट 1.44% रह गई है, जो देश के बाकी राज्यों के मुकाबले काफी कम है। मध्यप्रदेश की कोरोना पॉजिटिविटी दर केवल 3.85% बची है और केस डबल होने की जो दर है वो 48 दिन हो गई है। सर्वाधिक प्रकरणों की दृष्टि से भी हम देखें तो अन्य राज्यों के मुकाबले हम 9वें नंबर पर हैं, और एक्टिव केसेस की दृष्टि से देखें तो आज हम अन्य राज्यों के मुकाबले देश में 13वें नंबर पर हैं। लेकिन लड़ाई अभी बाकी है, अभी हमने लक्ष्य प्राप्त नहीं किया है, अभी हम केवल एक पाव पर आए हैं कोरोना को पूरी तरह से परास्त करने के लिए, जड़ से समाप्त करने के लिए। हम 1 जुलाई से पूरे प्रदेश में किल कोरोना अभियान प्रारंभ कर रहे हैं। कोरोना को पूरी तरह से मध्यप्रदेश की धरती से भगाना है, पर इसके अभियान के अंतर्गत घर घर हर द्वार डोर टू डोर सर्वे किया जाएगा, जिसमें कोरोना के साथ अन्य रोगों से संबंधित परीक्षण भी किए जाएंगे। हमें प्रदेश के हर नागरिक का अच्छा स्वास्थ्य सुनिश्चित करना है। किल कोरोना अभियान के अंतर्गत 15 दिन में लगभग 2.5 से लेकर 3 लाख टेस्ट किए जाएंगे। प्रतिदिन किए जाने वाले टेस्ट की संख्या, जिसके लिए हम सैंपल लेंगे, 15 से लेकर 20,000 होगी। वर्तमान में हमारी प्रति 10 लाख टेस्टिंग लगभग 4,000 है, जो 15 दिन में बढ़कर 2 गुनी हो जाएगी। किल कोरोना अभियान के अंतर्गत पूरे प्रदेश में 11,458 सर्वे दल डोर टू डोर सर्वे का काम करेंगे। उन्हें सभी आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ये दल कोरोना की दृष्टि से हाई रिस्क
मरीजों के स्वास्थ्य के परीक्षण के अलावा मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, आंत्रशोथ आदि के संबंध में भी स्वास्थ्य परीक्षण करेंगे। चिन्हित किए गए व्यक्तियों की टेस्टिंग की जाएगी। प्रदेश के औसत से अधिक पॉजिटिविटी वाले 13 जिलों में सघन सैंपलिंग की जाएगी। अभियान का उद्देश्य कोरोना के एक एक मरीज की पहचान कर उनका इलाज किया जाना, जिससे प्रदेश को कोरोना के संक्रमण से हम पूरी तरह से मुक्त कर सकें। मेरी आप सभी बहनों और भाइयों से अपील है कि आपके सहयोग के बिना ये महाअभियान पूरा नहीं होगा, इसलिए आइए इस अभियान में सहयोग कीजिए। और याद रखिए, मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने फिर कहा है, सावधानी में ही सुरक्षा है। 2 गज की दूरी आपस में जरूर बनाए रखें। अपने चेहरे पर फेस कवर या मास्क जरूर लगाएं और बार बार अपने हाथों को साबुन से सैनिटाइजर से साफ करते रहें। आइए किल कोरोना अभियान के अंतर्गत हम सब मिलकर इस अभियान को सफल बनाए, ताकि कोरोना को मध्य प्रदेश की धरती से हम जड़ से उखाड़ के फेंक सकें। धन्यवाद। एक बुलेटिन में हर खबर देश के नंबर 1 न्यूज नेटवर्क का नंबर 1 न्यूज बुलेटिन। यू स्टॉप नाइन रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे जुड़िए संसार से, हमारी रफ्तार से। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। देखिए, स्वागत है आप सभी के एक्सप्रेस रिपोर्टर में, और अब आपको सीधे लिए चलते हैं धार। धार जिला क्षेत्र में बढ़ता अवैध रेत का कारोबार, अधिकारी नहीं दे रहे इस ओर ध्यान। इन दिनों धार जिले में रेत का अवैध कारोबार फल फूल रहा है। आए दिन धार शहर के आसपास रेत के डंपर गुजरते नजर आते हैं। क्षमता से अधिक वाहनों में रेत भरकर परिवहन किए जाते हैं। जब इसकी शिकायत संबंधित अधिकारी से की जाती है तो वो कार्रवाई से भी बचते नजर आते हैं। लगातार क्षेत्र में हो रहे अवैध रेत के कारोबार पर अधिकारी क्यों नहीं लगा पा रहे अंकुश, यह एक सोचने वाली बात है। देखने वाली बात यह होगी कि इस खबर को दिखाए जाने के बाद जो है वो अधिकारियों की नींद खुलेगी या बदस्तूर जारी रहेगा अवैध रेत का कारोबार। धार से एक्सप्रेस रिपोर्टर कपिल सिब्बल। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर ग्वालियर में आज कांग्रेस ने बैलगाड़ी रैली निकालकर विरोध जताया। ग्वालियर में आज कांग्रेस नेता सुनील शर्मा के नेतृत्व में बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर घास मंडी से लेकर मानसिक आरोधा एक बैलगाड़ी यात्रा निकाली। इस दौरान कांग्रेस नेताओं का कहना है कि जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, उससे आने वाले समय में बैलगाड़ी से ही यात्रा करनी पड़ेगी। लेकिन कांग्रेस नेता मौके पर ये भूल गए कि इस भीषण गर्मी में जिस बैलगाड़ी पर वो बड़ी संख्या में सवार थे, उसमें लगे बैल गर्मी से बेहाल हो रहे थे। गर्मी के कारण कई बैलों के मुँह से तो झाग भी आ रहे थे, यहाँ तक कि रास्ते में उन्हें पानी तक नहीं पिलाया गया। और एक एक बैलगाड़ी पर बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता